हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम मणिपुर वायलेंस के एक इंटरनेशनल एंगल तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी तक जो आपको पता है वो ये है कि मणिपुर वायलेंस इज द रिजल्ट ऑफ द एथनिक कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, कुकी एंड मैथी। ठीक है, कुकी और मैथीज कम्युनिटीज के बीच में एक एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ। रीजन ये था कि 14 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट एक डिसीजन देता है जिसके अंदर ये बोला जाता है कि मैथी कम्युनिटी जो होगा उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलेगा। इसके विरोध में मई 3 को एक रैली निकलती है, मई 3 2023 को, और उसके विरोध में जो रैली निकलती है उसके कारण एक तरह से मणिपुर वायलेंस यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आपस के अंदर दो एथनिक कम्युनिटीज आपस में बढ़ जाती है, कुकी और मैथी दोनों कम्युनिटी आपस के अंदर बढ़ जाती है। बट इसका एक आपको ये पता है कि इसका एक इंटरनेशनल एंगल भी है, और इंटरनेशनल एंगल के अंदर एक भारत की एक पॉलिसी है फ्री मूवमेंट रेजिम, जो इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। आज हम इस फ्री मूवमेंट रिजीम को ही समझेंगे और ये समझेंगे कैसे ये एक तरह से एक मुख्य कारण बताया जा रहा है मणिपुर वायलेंस का, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू शो यू द मैप। ठीक है, ये मैप आप देख सकते हैं कि जो इंडिया और म्यांमार का जो ये बॉर्डर है, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है। अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, तो ये एक बॉर्डर है। ये बॉर्डर अगर आप देखेंगे 1643 किलोमीटर लॉन्ग ये बॉर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है जो कि पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया म्यांमार के साथ, इस तरह से बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है इसका मतलब क्या है। फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर है किसके बीच में, म्यांमार के बीच में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के बीच में। ठीक है, तो फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब ये है कि यहाँ से 16 किलोमीटर तक और इधर से 16 किलोमीटर तक यहाँ के लोग जो है वो इधर ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, इधर जाके इधर ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीजा, और यहाँ के लोग जो है वो इधर ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीजा। मतलब ये जो बाउंड्री है इंडिया और म्यांमार के बीच में, दैट इज वेरी वेरी पोरस बाउंड्री। पोरस बाउंड्री क्या होता है ये भी मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। पोरस बाउंड्री का मतलब ये है कि यहाँ पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते हैं साहब, जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर आप फेंस लगा सकते हैं, यहाँ पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते बिकॉज प्लेन जो है बड़ा ही हिली एरिया है यहाँ पे, है ना। और अगर आप देखेंगे बहुत ही उबड़ खाबड़ प्लेन यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर आप क्या कर सकें, फेंसिंग कर सकते। तो बहुत सारा जो एरिया है और मेजोरिटी एरिया है इंडिया और म्यांमार बॉर्डर का वो अनफेंस्ड एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से एक फ्री मूवमेंट रिजीम का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, इस म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज दैट अलाउ ट्राइब्स लिविंग अलोंग द बॉर्डर्स ऑन आइदर साइड टू ट्रेवल अप टू 16 किलोमीटर इनसाइड द अदर कंट्री विदाउट ए वीजा। बिना वीजा के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं। ये जो पॉलिसी बनाई गई थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट था, और क्योंकि भारत और म्यांमार का उस वक्त रिलेशन बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा था, ऐसा बोला जा रहा था कि हम गोल्डन फेज ऑफ रिलेशन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए ये जो पॉलिसी थी वो बनाई गई। तो देखिए, FMR पॉलिसी जो थी वो इम्प्लीमेंट करी गई 2018 के अंदर, और ये एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक पार्ट था, ऐसा इसके अंदर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी पॉलिसी हुई क्यों, किसी कंट्री में ऐसी पॉलिसी क्यों बन सकती है कि भाई देखो आपकी जो बॉर्डरी है उसके अंदर बिना वीजा के आप 16 किलोमीटर इधर चल सकते हैं, 16 किलोमीटर इधर तक जा सकते हैं। ऐसी पॉलिसी थोड़ी सी अजीब लग रही होगी आपको, तो इसका रीजन क्या था, इसके रीजन के बारे में, इसके कारण के बारे में कि इस पॉलिसी को कॉन्सेप्ट चलाइज करा गया वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो देखो कि जैसे मैंने आपको बताया इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर जो है दैट इज पोरस बॉर्डर। ठीक है, पोरस बॉर्डर मतलब जिसको अपन फेंस नहीं कर सकते। इसी तरह का बांग्लादेश का भी ये बॉर्डर है। तो सर अब ये बात आई कि पोरस बॉर्डर क्यों हुआ, तो इसके पीछे हम जाकर देखते हैं तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स एक रीजन है इसका। ठीक है, और आप देखेंगे ये बाउंड्री जो है, अगर हम देखें कि कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, एथनिक कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां पे ब्रिटिशर्स जहां जहां पर कॉलोनी बनाकर रखे हुए, जैसे आप देख लीजिए कहीं पे भी अफ्रीका के अंदर, है ना, वेस्ट एशिया के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, ठीक है, इंडिया म्यांमार का जो है जो अभी पोरस बाउंड्री वाला इशू है, इंडिया बांग्लादेश का, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स रहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पर इस केस के अंदर देखते हैं पर्टिकुलर कि इस केस में अगर हम देखेंगे तो 1826 के अंदर ब्रिटिशर्स ने डिमार्केशन करा बाउंड्री को, इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री के बीच में डिमार्केशन करा। आपको पता है म्यांमार जो है वो भी कॉलोनी था भारत ब्रिटिशर्स का, और इंडिया भी कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई ये वाला एरिया इंडिया होगा और ये वाला एरिया जो होगा दैट इज नोन एज म्यांमार और बर्मा। ठीक है,
अब यहाँ पर ये जो लाइन खींची गई ना, ये बहुत ही अब्रप्ट सी लाइन खींची गई, ऐसे जैसे मैप के अंदर इस तरह की लाइन खींच दी गई हो। यहाँ पर यहाँ के लोगों से भी नहीं पूछा गया और यहाँ पे एथनिसिटी को भी नहीं देखा गया। देखिए, कभी भी अगर डिमार्केशन करें बाउंड्री का, तो उसके दो तीन क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन देखनी चाहिए कि भाई जैसे मान लीजिए यहाँ से पहाड़ निकल रहा है कोई, तो इधर का एरिया एक कंट्री का हो जाएगा, दूसरी कंट्री का एरिया इधर से, है ना। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ पर देखी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो देखी जाती है वो एथनिसिटी देखी जाती है कि एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के मान लीजिए लोग रह रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो वहां का एरिया एक कंट्री बन जाएगा और दूसरा कंट्री, उस तरह से। तो एथनिसिटी का कंसिडरेशन करना चाहिए, पर यहाँ पर कुछ भी कंसिडरेशन नहीं करा गया। यहाँ पर इवन इस तरह की अब्रप्ट लाइन खींच कर गए कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, दिस इज द रियल एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी का घर ऐसा था, ठीक है, यहाँ पर किसी का घर था, तो उसका बाथरूम तो कहीं और रह गया, दूसरे इंडिया के अंदर चला गया, और अगर आप देखेंगे किचन जो है वो कहाँ पर चला गया, कहाँ पर चला गया, म्यांमार के अंदर चला गया। इस तरह से अब्रप्ट यहाँ पर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री करा गया। तो अब इतना अब्रप्ट डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री करा जाएगा, तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ के सारे रिलेटिव होंगे, इसके रिलेटिव इधर चल जाएंगे इंडिया के अंदर, इंडिया के रिलेटिव म्यांमार के अंदर चल जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर इस तरह से एथनिसिटी को ना कंसिडर करके बिना लोगों से पूछे एक तरह से डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री करा गया, और बहुत ही अब्रप्ट डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री करा गया, जिसके कारण यहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम को यहाँ पर लागू करना पड़ा, जिससे कि ये लोग आपस में, क्योंकि इनके बहुत सारे लिंकेज हैं, एथनिक जो है कनेक्शंस हैं, तो ये आपस के अंदर, है ना, कभी भी इनको ऐसा नहीं कि भाई अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए वीजा लेकर जा रहे हैं। तो 16 किलोमीटर तक ऐसे कह दिया गया कि 16 किलोमीटर तक आप आपस में आ जा सकते हैं, इधर तक किसी वीजा के इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार वाज डिमार्केटेड बाय द ब्रिटिश इन 1826 विदाउट सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल लिविंग इन द रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, द बॉर्डर इफेक्टिवली स्प्लिट द पीपल ऑफ द सेम एथनिसिटी एंड कल्चर इनटू टू नेशंस विदाउट देयर कंसेंट, है ना भाई। अब दो जो है एथनिसिटी वाले लोग जो आपस में मिलकर रहते थे, बीच में उनकी लाइन खींच दी गई, इससे कहा गया तुम इंडिया में हो, इससे कहा गया तुम म्यांमार में हो। तो इसके कारण इवन द करंट आईएमबी, अगर इंडियन म्यांमार बॉर्डर देखिए, इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन ड्रॉन बाय द ब्रिटिशर्स। पीपल इन द रीजन हैव स्ट्रॉन्ग एथनिक एंड फेमिलियल टाइज अक्रॉस द बॉर्डर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे एक रीजन बनाया बताया गया है एग्जाम्पल की तरह, मणिपुर के अंदर बोरे रीजन है, ठीक है, देयर आर विलेजेस वेयर सम होम्स आर इन द म्यांमार, जहाँ पर उनके घर जो है वो म्यांमार में, उनके गांव जो है वो किसके अंदर चले गए, गांव तो भारत के अंदर चले गए मोरे रीजन के अंदर, और उनका जो घर है वो कहाँ पर चला गया, म्यांमार के अंदर चला गया। इस तरह से अब्रप्ट यहाँ पर करा गया। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए नागालैंड के अंदर मून डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप देखेंगे एक बॉर्डर पास हो रहा है, उसके एक चीफ है, उनके हाउस के अंदर से बॉर्डर पास हो रहा है, चीफ ऑफ लोंगा विलेज, ठीक है, स्प्लिटिंग हिज वेरी होम इनटू द टू। जैसे मैंने आपको बताया, किचन एक जगह रह गया है और बाथरूम दूसरी जगह चला गया है। इस तरह का अब्रप्ट बाउंड्री का डिमार्केशन करा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो फिर आप देखो, चीजों को अगर सही करना है, पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाकर रखना है, अगर आपको ट्रेड डेवलपमेंट करना है और कल्चरल एथनिसिटी को बचा कर रखना है, तो ऐसा बोल दिया गया, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के अंदर एक फ्री मूवमेंट रिजीम वाला कॉन्सेप्टलाइज करते हैं, जिसके अंदर ये बोला जाएगा कि 16 किलोमीटर तक आपको कोई भी वीजा की जरूरत नहीं है, बिना वीजा के आप विजिट कर सकते हैं। द रीजन इज द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द ट्रांस बॉर्डर ट्रेड थ्रू कस्टम्स एंड द बॉर्डर हट्स, ठीक है। इसी तरह से पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, लोकल ट्रेड्स और बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, यहाँ पर इस तरह का डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होती है और एक FMR यहाँ पर कंसेप्टलाइज होता है। अब ये FMR फ्री मूवमेंट रिजीम जो है FMR किस तरह से मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट का एक मुख्य कारण बन रहा है, ये हम इसके अंदर समझेंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए एक उड़ान बैच लेकर आया, जिस उड़ान बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर आपको 900+ आवर्स का लाइव क्लास मिलेगा, मेन टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, लाइव आंसर राइटिंग, लाइव नोट्स मेकिंग प्रोग्राम विल बी देयर, कॉम्प्रेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, फ्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, और बहुत सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर मिलेंगे। ध्यान रखें, इस फीस के ऊपर ना जाएं कि ये फीस बहुत कम है तो कैसी क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी के अंदर इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो 1-1 लाख रुपए के बैच होते हैं, उससे भी अच्छी क्वालिटी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पूरी टीम इसके अंदर पूरी वर्क कर रही है, और एक हम पूरा डिस्कशन करके, पूरी टीम एक डिस्कस करके यहाँ पर पूरा का पूरा हम सिलेबस यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको कोड यूज करना है वो लाइव डीवी कोड यूज करना है। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि 35% तक फीस हाइक होने वाली है, 31 जुलाई से पहले पहले आप ले लें, एक दिन अभी आपके पास बचा है, जब लें तो लाइव डीवी कोड यूज करें और मुझे कॉल करें, आई विल लेट यू नो किस तरह से इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस बैच आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उड़ान जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो, तो ये भी हम बहुत ही कम प्राइस के अंदर, सिर्फ 14,999 रुपीज के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से ऑप्शन अलग से लेना चाहते हैं तो सिर्फ 7,999 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। पूरा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसके अंदर रहेगा,
प्लस हम देखेंगे क्लासेस भी इसके अंदर रहेगी। यहाँ पर भी आपको लाइव डीबी कोड यूज करना है। एनसीईआरटी के फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर दिया है हमने। अगर कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि पहले मेरे को एनसीईआरटी फाउंडेशन का बैच ज्वाइन करना है, तो 4999 रुपीज़ के अंदर 6 से लेकर 12th क्लास के एनसीईआरटी हम आपको पूरी यहाँ पर कवर करवाएंगे। मैं यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, राइट। इसी के साथ एनसीईआरटी फाउंडेशन प्लस कॉम्प्रेंसिव जीएस, इसका आप एक तरह से कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जो सिर्फ 11999 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, आइए हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो वाई इज द एफएमआर बीइंग डिस्कस्ड क्रिटिकली नाउ? अब क्यों क्रिटिकल हो रहा है यहाँ पर? अब देखो, यहाँ पर आप इसके अंदर एफएमआर का रीजन तो आप समझ गए कि क्या रीजन इसका था, बट अब ये रीजन तो ये था कि भाई हम कल्चरल टाइज बनाएं, ठीक है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, है ना, एथनिक जो है कनेक्शंस हैं, तो लोगों को वीजा ना लेना पड़े आपस में मिलने के लिए, इस तरह का ये एक सिस्टम बनाने की कोशिश करी थी। बट इस सिस्टम का मिसयूज करा गया बहुत सारे लोगों के साथ। आप देखें ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर ये चीज यूज हो रही है, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकर होगा वो भी क्या कर रहा है, वो भी जा रहा है, ठीक है, और जाकर क्या कर रहा है, जाकर एक तरह से यहाँ पर ड्रग्स का ट्रेड यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये जो है ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाया जाता है, और यहाँ पे ड्रग्स की बहुत खेती होती है, राइट। तो यहाँ से ड्रग्स जो है वो ट्रेवल करने लग गए किसके अंदर, भारत के अंदर, ड्यू टू दिस फ्री मूवमेंट रिजीम, ठीक है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ पर होने लग गया, इलीगल इमिग्रेशन यहाँ पर होने लग गया, बहुत सारे जो लोग हैं म्यांमार के लोग जो है इलीगली इन स्टेट्स के अंदर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, इनके अंदर, मिजोरम के अंदर क्या करने लगे, इलीगली माइग्रेशन यहाँ पर होने लग गया। इंडो म्यांमार बॉर्डर इज ऑलमोस्ट एंटायरली अनफेंस्ड, पूरी अनफेंस्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि एक पोरस बाउंड्री है। मणिपुर के अंदर भी सिर्फ 6 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो फेंस है, बाकी सारी की सारी अनफेंस्ड है, बिकॉज यहाँ पे टोपोग्राफी ऐसे है, बहुत सारा हिली रीजन है, अगर हम देखेंगे अनड्यूलेटिंग टेरेन है, फॉरेस्ट है, तो इससे इसको मॉनिटर करना दिक्कत आती है। ये भी एक रीजन था, हमने फ्री मूवमेंट रिजीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आप सबको इसके अंदर चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे अपन इसको समझते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया, इलीगल माइग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, गन रनिंग, ये सब चीजें यहाँ पर होने लगी। अब देखो क्या होता है, ये सब चीजें हो रहा था। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार के अंदर एक घटना घटती है, म्यांमार के अंदर एक कू हो जाता है, मतलब म्यांमार की मिलिट्री जो है वहां की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देती है, और मिलिट्री का यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर रूल हो जाता है, राइट। और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे सिविलियंस को मारा जाता है, और अप्रॉक्सीमेटली 6,000 म्यांमार सिविलियंस किल्ड इन 20 मंथ्स, 20 महीने के अंदर, सिर्फ 20 महीने के अंदर 6,000 से ज़्यादा जो होता है यहाँ पर मणिपुर, म्यांमार के सिविलियंस को मार दिया जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप देखें आगे इसके अंदर, कि मिलिट्री को होने के बाद म्यांमार जो है फरवरी 1, 2021 के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट हो जाता है, है ना, मिलिट्री गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर कुकी जो ट्राइब के लोग हैं, कुकी ट्राइब के लोग हैं, ध्यान रखें मणिपुर के अंदर भी दो समुदाय हैं, कुकी और मैती। कुकी जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है रिलेटिवली टू द मैती, और मैती जो है वो मेजोरिटी के अंदर है, इन दोनों के बीच में ही कंफ्लिक्ट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, म्यांमार के जो कुकी लोग होते हैं ना, वो भागने लग जाते हैं इधर से, क्योंकि कुकीज को चुन चुन के मारा जा रहा था म्यांमार के अंदर, ठीक है। तो कुकीज जो है वो क्या करेंगे, वो इंडिया के अंदर मूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर उनको जो होता है वो मणिपुर के अंदर जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ कीज जो होते हैं वो मिजोरम और मणिपुर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, और मिजोरम और मणिपुर की तरफ जब ये मूव करते हैं, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें, मणिपुर की जो गवर्नमेंट है वो इनको वेलकम नहीं करती है, मणिपुर की गवर्नमेंट को वेलकम नहीं करती है, वहीं मिजोरम की गवर्नमेंट जो होती है, क्योंकि मिजोरम और म्यांमार के अंदर जो कुकी ट्राइब्स हैं इनके एथनिक लिंकेज है, तो मिजोरम की गवर्नमेंट इनको बहुत अच्छा वेलकम करती है। इवन इनके लिए बहुत सारे कैंप्स भी लगाए जाते हैं, है ना, 4,000 रिफ्यूजीज को यहाँ पर क्या करना करता है, सेटल करने की कोशिश की जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम ये समझ रहे हैं कि मिजोरम तो इनको सपोर्ट करता है, इनको कि हाँ ठीक है रिफ्यूजीज आप लोग आ जाओ, हम आपको यहाँ पर शरण देंगे, जबकि मणिपुर के अंदर यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं और ये आकर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम होती जा रही है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी मैती कम्युनिटी के हैं, और वो नहीं चाहते कि कुकी कम्युनिटी के लोग, इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, वो भारत के अंदर आए, बिकॉज यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग के कारण के साथ साथ बहुत सारी और भी यहाँ पर समस्याएं यहाँ पर आती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए, दिस हैज पुश्ड लार्ज नंबर ऑफ म्यांमारी ट्राइबल्स अक्रॉस द कंट्रीज वेस्टर्न बॉर्डर इनटू इंडिया, स्पेशली इनटू मणिपुर एंड द मिजोरम।
मिजोरम के अंदर उनको बहुत अच्छा वेलकम करा गया, उनके लिए 40,000 रिफ्यूजीज को वहां पर सेटल करा गया। यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ने एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यूनियन मिनिस्ट्री ने मिजोरम से बोला कि ऐसा ना करें आप, दिस इज वॉट क्रिएटिंग ए नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन, बट फिर भी मिजोरम ने इन सबको बहुत अच्छे से यहाँ पे सेटल करने की कोशिश करी। जबकि अगर हम देखेंगे तो जो ट्राइबल कुकी चीनी पीपुल हैं, ठीक है, म्यांमार से जो कहां पर जा रहे हैं, मणिपुर के अंदर जा रहे हैं, उसको यहां पर क्या करा गया, अपोज करा गया मणिपुर के अंदर। ठीक है, मणिपुर के अंदर जो मेजोरिटी मेतीस थी, उन्होंने कहा कि ये जो कुकीज आ रहे हैं यहां पर, एक तरह से इलीगल माइग्रेशन कर रहे हैं और इससे नार्को टेरर नेटवर्क यहां पर क्रिएट हो रहा है, ड्रग का और टेररिज्म यहां पर फैल रहा है, इस तरह से यहां पर बोला गया। इवन जो सरकार है मणिपुर की वो भी ऐसे बोलने लग गई कि यहाँ पे जो कुकीज आ रहे हैं वो एक तरह से हमारे यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट, एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी का खतरा यहाँ पर बनता जा रहा है। कुकीज है ब्लेम द मेतीस एंड चीफ मिनिस्टर एन बीरेंद्र सिंह। अब यहाँ पर क्या होता है कि मणिपुर सरकार यहाँ पे एक तरह से ड्राइव चलाती है कि यहाँ पर जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए उन इलीगल माइग्रेंट्स को हम वापस से चुनेंगे और उनको क्या करेंगे, उनको जेल के अंदर डालेंगे। तो कुकीज कम्युनिटी बोलती है कि तुम लोग है ना हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा। और बीरेंद्र जो है, बीरेंद्र सिंह जो है मेती, जो खुद मेती हैं, मेती कम्युनिटी के हैं, उनको अक्यूज करती है, उनको ब्लेम करती है कि ये जो है वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से एथनिक क्लीजनिंग कर रहे हैं इन द नेम ऑफ नार्को टेरर नेटवर्क को खत्म करने के नाम पर, ये एक तरह से एथनिक क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीजनिंग कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर आप देखेंगे कुकी ट्राइब्स की। और इससे इन दोनों समुदाय के बीच में क्या होता है, एक और ज्यादा कंफ्लिक्ट यहाँ पर पहुंच जाता है। अमिड दिस चार्ज एंड सेंसिटिव डिबेट्स इन द स्टेट, क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड इन द फ्री मूवमेंट रिजीम। फ्री मूवमेंट रिजीम के ऊपर क्वेश्चन उठने लग जाते हैं, जो कि क्या है, जो कि इस इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अक्रॉस अगर आप यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे तो दिस इज वट फ्री मूवमेंट रिजीम जो है उसको एक कारण बताया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये बीरेंद्र सिंह जो है उनको एक्यूज किया जाता है कि भाई तुम मैती हो और तुम चाहते हो कि कुकीज यहाँ पर नहर आए मणिपुर में, तो इस चीज का बहाना लेकर कि नार्को टेरर नेटवर्क को हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप लोग एथनिक क्लीजनिंग कर रहे हैं, एथनिक जो लोग हैं कुकी लोग हैं उनको मार रहे हैं, उनको भगा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और ये इशू इतना बड़ा आ जाता है इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में कुकी और मैथीज के बीच में, एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो जाता है और ये इशू आपको पता है मणिपुर वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आई होप आपको ये इंटरनेशनल एंगल समझ में आया होगा, फ्री मूवमेंट रिजीम क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड